थाना इंदौरा के अंतर्गत आते नंगल मोड़ पर बीती रात स्थानीय निवासियों द्वारा वन रक्षक विनय कटोच को गुप्त सूचना दी गई। जंगल में अवैध कटान हो रहा है, जिस पर वह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे व नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने मौके पर खैर काटते हुए दो लोगों को पकड़ लिया व मौके पर खैर के 11 मोछे कब्जे में ले लिए है, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब आंकी गई। जंगल था ही, CFS ड्यूटी, और मैं अपने स्टाफ के साथ रात्रि गश्त कर रहा था। उसमें ये अपने जो मुजरिम थे वो संजीव कुमार सन और विधि चंद, ये है कोठी चक पंजाब मुकेरिया, और दूसरा है गौरव सोनी पुत्र अश्विनी कुमार उम्र 30 वर्ष दतारपुर पंजाब। इनको हमने खैर काटते हुए पकड़ा और इनके पास एक पीवी नंबर मोटरसाइकिल जो कि साइड में खड़ा था, पूछताछ करने पर इन्होंने ये इकबाल किया है कि जो हमें लेके आया वो जितेंद्र कुमार पंजाब का, वो गाड़ी लेके भाग गया। काटे हुए खैरों को हमने अपने कब्जे में लेकर बन थाना पुलिस की मदद लेकर बन थाना में रखा। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी इंदौरा कुलदीप शर्मा ने बताया कि देर रात पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। उज्जवल हिमाचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमान की रिपोर्ट। मुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।